हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। सो उसके लिए हमने कौन कौन सी सब्जी ली है वो आप देखिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, आलू, मटर, टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, वो हमने तड़के के लिए ली है। आप इसमें से सब्जी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो सब्जी आपको पसंद हो वो आप रखें, जो पसंद नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, जो हमने ली है आप वही सब सब्जियाँ लें। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुकर लेंगे। कुकर को हमने गैस के ऊपर रख दिया और इसके अंदर हमने तेल डाल दिया। तेल को पहले गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे हींग और साथ में जो प्याज काट के रखी हुई है उसको और हरी मिर्च को। तो हमारी प्याज भुन रही है, एक बाउल लेंगे, इसमें मसाले तैयार करेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्चें, हल्दी और धनिया, और साथ में हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको मिलाएंगे। जो प्याज है उसका कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से भुन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मसाले हैं हमारे उनको डाल देंगे। 1 मिनट के करीब ऐसे ही रखेंगे, गैस का फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। अब जो हमारी कटी हुई सब्जियां हैं उन सबको डाल देंगे विद टमाटर। सब्जियों को कुकर के अंदर डाल के अच्छे से मिला देना है। अब हम इसमें ज़रा भी पानी ऐड नहीं करेंगे। 2 चम्मच पानी हम मसाले में ऐड किया था, बस वही है। कुकर का ढक्कन लगाएंगे, ओनली 2 सीटी जलाएंगे, ज़्यादा सीटी नहीं जलाएंगे, नहीं तो हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल घुट जाएगी और पता ही नहीं चलेगा सब्जी क्या क्या डाला था। तो अभी इसको कवर कर देते हैं। लुक एवरीवन, 2 सीटी के बाद हमने तुरंत प्रेशर निकाल दिया है। अभी हम सब्जी को चेक करेंगे इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है वो बन गई है। सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। हमारी सब्जी जो है वो बाउल के अंदर आ चुकी है। आप इसमें ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हो, बट हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे हरा धनिया नहीं खाते। सो इस तरीके से अलग अलग नज़र आ रही है सभी सब्जियाँ, आलू, मटर, गाजर, फूल गोभी। सो इसको बस घोटना नहीं है, 2 सीटी में ये बनके तैयार हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, हैव अ गुड डे।